नगर निगम की गाड़ियां कचरा उठाने जब मोहल्ले में पहुंचती है तो उठाने वाले सीटी बजाते हैं। सीटी एक सिग्नल होती है कि हम आ गए हैं, कचरा दे दें। लोग समझ लेते हैं कि अपने अपने घर का कचरा निकालना है। अब अवैध कोयला खदानों अथवा बंद कोयला खदानों के मुहानों को भरने के लिए भी सीटी बजाकर कोयला चोरों को सचेत किया जा रहा है कि हम आ गए हैं। अगर कोई खदान के भीतर है तो बाहर निकल जाए, नहीं तो मुहाने की भराई कर दी जाएगी। केवल चालू परियोजना से ही कोयला चोरी समस्या नहीं है, बल्कि रैट होल से कोयला काटने वाले भी परेशानी का कारण बने हुए हैं। एक तरफ से बोल्डर आदि गिराकर मुहाने की भराई की जा रही है तो दूसरी ओर अवैध तरीके से कोयला काटने वाले मुहाने खोल दिए जा रहे हैं। बरोरा क्षेत्र में तो अभी हाल ही में बोल्डर गिराकर मुहाने बंद किया जा रहा था तो खदान के भीतर से टॉर्च की रोशनी और आवाज आई, फिर भराई का काम रोक दिया गया तो भीतर घुसे कोयला काटने वालों की जान बची। इसी बरोरा एरिया में गुरुवार की सुबह पुलिस और सीआईएसएफ की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अवैध कोयला खनन के लिए खोले गए मुहानों को बोल्डर डालकर बंद कर दिया गया। मुहाने को बंद करने के पहले कई बार सीटी बजाकर भीतर के लोगों को बाहर निकालने की आवाज दी गई। काफी देर इंतजार के बाद जब कोई नहीं निकला तब मुहाने बंद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। आश्चर्य तो इस बात को लेकर होती है कि राइट होल से बनाए गए कोयले के मुहाने के भीतर 1.5 से 2 किलोमीटर तक बाइक और साइकिल से पहुंच जाते हैं। खदान के भीतर अस्थाई सपोर्ट लगाकर कोयले के चट्टान को रोक रखते हैं, जो कि पूरी तरह से खतरनाक होती है। बरोरा में जब इस बात का खुलासा हुआ तो सब कोई आश्चर्य में पड़ गए। दरअसल हुआ ऐसा कि अवैध कोयला खदानों के मुहाने की भराई का काम चल रहा था, एक के बाद एक मुहाने को बंद किए जा रहे थे। इसी क्रम में बरोरा क्षेत्र के AMP कोयलरी की बंद 6 नंबर पैकेज की जब भराई की जा रही थी तो अंदर कोयला काटने वाले मौजूद थे। भराई करने वाली टीम को जरा भी भान नहीं था कि अंदर में कोयला काटने वाले मौजूद हो सकते हैं। हालांकि सतर्कता के तौर पर हल्ला किया गया कि कोई भीतर है तो बाहर आ जाए, खदान के मुहाने को भराई जा रही है। जब बोल्डर हटाया गया तो साइकिल और बाइक से कोयला चोर एक के बाद एक निकलने लगे। यह टीम के लिए भी आश्चर्यजनक घटना थी। कोई भरोसा नहीं कर सकता है कि रैट होल से बनाए गए मुहाने के भीतर कोयला की ढलाई के लिए मोटरसाइकिल और साइकिल के लिए का प्रयोग होता है। अभी हाल ही में उत्तराखंड में फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए जब बड़े बड़े मशीन जवाब दे गए तो रैट होल करने वालों को बुलाया गया और वहां फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकाला गया। कोयलांचल में कई ऐसे इलाके हैं जहां रैट होल के जरिए अवैध कोयले की कटाई और ढुलाई की जाती है। यह काम बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह काम पूरे तौर से जोखिम भरा है। जीवन को खतरे में डाल कोयला काटने वाले अंदर जाते हैं, अक्सर चाल धंसने और लोगों के मरने की खबरें आती रहती है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।